अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। कराची से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। पाक सरजमीन पार्टी का एमक्यूएम पाकिस्तान की एपीसी में शिरकत का ऐलान। मुत्तहिदा पाकिस्तान और पीएसपी पहले भी राबते में थे, अनीस एडवोकेट की जानिब से ये बताया गया। उन्होंने कहा कि यकीन है एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध के आवाम की आवाज़ सुन रही है। कल एपीसी में पाकिस्तान बिलखसूस सिंध में करप्शन पर बात होगी। मुत्तफिका करारदाद लाने की कोशिश करेंगे और लंदन से मुकम्मल लातालुकी का ऐलान कर चुके हैं। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान की जानिब से ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि दो जमातों का एक साथ खड़ा होना खुशाइंद है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस वक्त नुमाइंदा कैपिटल टी वी शाहिद अंजुम हमारे साथ हैं। शाहिद, बताइएगा इस मुलाकात की मज़ीद रदाद क्या है? देखिए, बिल्कुल जो है वो एमक्यूएम की तरफ से चूँकि आज दावतनामा मुख्तलिफ सियासी जमातों को दिया जा रहा है और आज वो जब पीएसपी के या हेड ऑफिस जो उनका है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ उनकी जो मुलाकातें हुई यानी एडवोकेट से और दीगर रहनुमाओं से, तो उसमें बहुत ही खुले दिल से बात की गई है। एमक्यूएम की तरफ से ये भी कहा गया कि हम तबे की हैं, हमारी काज एक है, और उनका ये भी कहना था कि मुल्क की सालमियत जो है उसके हक में हम तमाम साहब जो है सब जो है वो मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर जो है वो फैसल सब्जवारी का ये भी कहना था कि हमारी सफ़ों में जो है वो मकतूल ज़रूर होंगे, उनके अहले खाना ज़रूर होंगे मगर कातिल नहीं होंगे। इस पेशकश को जो है वो पीएसपी ने जो अजराए हैं उन्होंने तस्दीक की है कि कबूल कर लिया है इस दावत को, और उनका ये कहना था कि वो बिल्कुल जो प्रोग्राम रखा गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हमें अपडेट करने के लिए।